नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। जिस तरह हम मार्केट में दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी खाते हैं, उसी तरह हम आज यही दही बड़े घर में बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं 3 कप मूंग की दाल, 1.5 कप उड़द की दाल। दालों को हमने रात भर भिगो कर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसके साथ हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम और काजू। इसके साथ हमने लिया है 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। और अब हम दालों को पीसेंगे। इसके लिए हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दाल को पीस लेते हैं। इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/2 कप, और एक गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा बैटर है। इतना ही गाढ़ा बैटर हमें सारे दालों को रखना है। तुम बाकी बचे हुए दाल को भी ले लेते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। इसको भी हम साथ में पीस कर तैयार कर लेते हैं। और अब हम उड़द की दाल को भी पीस लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भी उतना ही गाढ़ा बैटर पीस कर तैयार कर लेते हैं। और सभी बैटर को एक ही बर्तन में हम रखना है। और अब हम इसे फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। इस तरह से हम लगातार एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक फेंटेंगे। और इसको हम थोड़ा सा पानी में डालकर देखते हैं, जब ये तैरने लगेगा तो बैटर हमारा तलने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कि ये पानी में तैर रहा है। और अब हम इसके बड़े तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा, ज़रा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डालकर हम इसे उसी तरह एक ही डायरेक्शन में 1 मिनट लगभग बस फेंटेंगे। ये रेडी हो चुका है। अब हम बड़ों को तैयार करेंगे तलकर। उसके लिए हमने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और साथ ही में हमने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, थोड़ा सा हम बैटर डालकर देख लेते हैं। और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है, तेल को ज़्यादा गरम नहीं रखना है। तो बड़े आप अपनी मनचाहे शेप में बनाकर तल सकते हैं। इसे हम गोल्डन होने तक तलेंगे। बड़े रेडी हो चुके हैं, ये देखिए एकदम गोल्डन हो चुके हैं। तो इसे अब हम नमक पानी के घोल में डाल देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी गया हुआ है वो निकल जाए। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करेंगे और इसे अलग करके रख लेते हैं। और अब हम दही तैयार कर लेते हैं। तो दही को हमने एक छन्नी से इस तरह से छान लिया है। इससे दही बहुत ही क्रीमी और स्मूदी हो जाता है। दही को हमने छान लिया है, ये आप देख सकते हैं कि दही कितना क्रीमी हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चीनी और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बड़े, जो बड़े हमने निचोड़ के रखे हुए थे। इसमें हम 15 मिनट
दही में डालकर इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। बड़ों के और अधिक टेस्ट अच्छे हो जाए इसके लिए हमने यहाँ पे दो तरह की चटनी इस्तेमाल किया है। एक धनिया की चटनी है जो कि तीखी है, और एक मीठी चटनी इमली का इस्तेमाल किया है। और पहले तो हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी धनिया चटनी, इमली की चटनी, और गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं थोड़े से सेब। ये बड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्केट के जैसा है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।